उसके लिए हम ब्राह्मणवाद को कहेंगे, ना कि ब्राह्मणों को। ब्राह्मणवाद वो किसी में भी हो सकता है, क्योंकि वो लोग जिनकी संकुचित विचारधारा, हम कह सकते हैं संकुचित मानसिकता, वो सारी बातें जो हैं ब्राह्मणवाद में आती हैं। और वही ऐसा वाद है जो शायद हमें हमारी इस मानव जाति से बिल्कुल अलग कर देता है, क्योंकि जात पात कहीं नहीं होती है। जात पात पशुओं में देखने को मिलती है, ना कि मनुष्यों में। सभी मनुष्य एक हैं, सारे ग्रंथ यही कहते हैं, लेकिन शायद ये उन सबको नकार देते हैं। कृष्ण के वाक्यों को नकार देते हैं, राम को नकार देते हैं, और जो इनके शास्त्रों में, उपनिषदों में, वेदों में लिखा हुआ है, उन सबको नकार देते हैं। यहाँ तक कि आत्मा की कि जो कुछ वो तुच्छ क्षण है, तुच्छ जो है वो है, वो जो ईश्वर में मिलन होता है, शायद ये भी नहीं समझते कि ये आत्मा जो ईश्वर में मिलेगी, लेकिन ये ईश्वर को भी हमारी आत्मा से, हमारी शरीर से बिल्कुल अलग कर देते हैं, क्योंकि हम हर क्षण इनके लिए तुच्छ हैं। और शायद यही इनकी बातें हैं। अब एक मैं आपको प्रत्यक्ष उदाहरण दूँ, किसी एक नेता ने किसी एक नेता को ये कहा कि वो नीच है जी। उस एक शब्द पर इन लोगों ने पूरे ब्रह्मांड में आडंबर मचा दिया, पूरे हिंदुस्तान में, विदेशों तक में पहुंच गई ये बात कि जी मुझे नीच कहा। अरे भैया, हम तो 5000 वर्षों से इस शब्द को सुनते आ रहे हैं, जो भी हमें कहता है नीच ही कहता है, तो हम कहाँ हैं, हम पर क्या असर होता होगा। लेकिन सर, अभी एक आलोक अवस्थी करके जो अब बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अभी डिबेट में खुद सरेआम बोले थे कि ये चोर चमारों की पार्टी नहीं है। देखिए, वही बात है ना कि इनकी मानसिकता नहीं बदलेगी, ब्राह्मणवाद नहीं बदलेगा। ब्राह्मण तो शायद सुधर भी जाए हमारी बातों से, लेकिन ब्राह्मणवाद जो हम लोगों के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, हमें उनकी मानसिकता को बदलना बहुत आवश्यक है। और उनकी आवश्यकता को बदलने का अर्थ है जो बाबा साहब ने कहा था, हमें शिक्षित होना है, हमें संघर्ष करना है, और हमें उसके लिए संगठित होना पड़ेगा। और आज वही बातें हैं कि बात हर व्यक्ति करता है, लेकिन संगठन का अभाव बहुत बहुत कम है। अभी हम संगठित किया संगठन के अभाव में हम ये नहीं कह सकते कि हम संगठित हो गए हैं। वो अकेले व्यक्तित्व जो अपने आप में संगठित थे, हम इतने सारे होकर भी संगठित नहीं हैं, तो वो संगठन हमें परम आवश्यक है। क्या एक ऐसी कंडीशन रही होगी, क्या एक उस समय का जो ऐसा वाक्या होगा जिस समय बाबा साहब इन लोगों से लड़ रहे होंगे, और आज करोड़ों लोग जो हैं एक नहीं हो रहे, और अकेले व्यक्ति नहीं, हाँ वो सब लोगों को एक जीने का सहारा दे दिया। बहुत अच्छी बात है, बाबा साहब का समर्पण था समाज के प्रति, दलितों के प्रति, शोषितों के प्रति, वंचितों के प्रति, उनको ऊपर उठाने का। और वो जो उन्होंने स्वयं झेला था, महसूस किया था, उसे देखा था कि इतने हाईली एजुकेटेड होने पर भी, उच्च शिक्षा प्राप्त होने पर भी, जो कि हिंदुस्तान में कोई नहीं था, तब भी उनके साथ भेदभाव किया जाता था, वो बातें उनके हृदय को कचोटती थीं। आज हम इन बातों को शायद सामान्य रूप से लेते हैं, या शायद हम सोचते हैं कि यार ये तो होता ही रहता है, हम इसके आदि हो गए हैं। हम इस आदिपन को, इस शब्द को अपने से हटाना होगा। हम आदि नहीं, आज हम जागृत हो गए हैं। हमें लाना होगा कि हम जागृत हैं, और हमें इन शब्दों को, इन बातों को, इन रीति रिवाजों को, इन हरकतों से हम इन लोगों को सचेत करना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और सॉरी, इसके लिए मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अभी शायद किसी फिल्म स्टार ने भी एक शब्द का इस्तेमाल किया किसी विशेष जाति विशेष के लिए, तो अभी तक देख लीजिए कि जी हाँ, शिल्पा शेट्टी ने, अब ये लोग कहाँ पहुँचने के बाद भी इनके विचार कहाँ तक हम लोगों के लिए कहाँ तक हैं, कि हमें अभी भी उन्हीं 5000 वर्षों से जो शब्द हैं उन्हीं का इस्तेमाल हमारे लिए करती हैं, लेकिन शायद शक्ल सूरत से, कपड़ों से, एजुकेशन से, रहन सहन से, शायद अब वो नहीं रहे हैं। हमें बहुत चेंज आ गया है, बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रतिशत अभी बहुत कम है। हमें उस प्रतिशत को बहुत बढ़ाना है आगे, और जब हम बढ़ेंगे तो शायद इनकी मानसिकता को बदलाव आ सके।